ओके सो हे गाइस, दिस इज एक्सप्लेन एक्स। एंड गाइस, हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो एडजस्ट कर लेना। एंड इस वीडियो से शॉक्ड मत होना कि मैं अचानक से गॉड ऑफ वॉर पर वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। सो गॉड ऑफ वॉर का तो मैं बचपन से फैन हूँ, बट टेकन की ग्रोथ की वजह से मैंने गॉड ऑफ वॉर पर वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। एंड काफी सब्सक्राइबर्स भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं गॉड ऑफ वॉर पर वीडियोस बनाऊं, सो इसी रीजन की वजह से मैंने गॉड ऑफ वॉर पर भी सीरीज स्टार्ट की है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आए। एंड आज की वीडियो में मैं गॉड ऑफ वॉर 2018 के क्रेटोस के बारे में बात करूंगा कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 2018 में अपनी फुल पावर्स का यूज क्यों नहीं करता है, जबकि वो किसी भी एनिमी को काफी आसानी से मार सकता था। तो चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो अगर आपने गॉड ऑफ वॉर 2018 खेला है या फिर गेम प्ले देखा होगा तो आपको ये जरूर से फील हुआ होगा कि क्रेटोस अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था या फिर अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है किसी भी एनिमी से फाइट के दौरान। बट ऐसा क्यों? अब यहाँ ये भी मत सोचना कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 2018 में बूढ़ा हो गया है इसीलिए वो पहले जितना पावरफुल नहीं है, एंड इसी वजह से गॉड ऑफ वॉर 2018 में क्रेटोस अपने फुल पावर्स का यूज नहीं कर सकता। बट ये रीजन बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि अभी भी क्रेटोस पहले जितना या फिर पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, बट क्रेटोस जानबूझकर गॉड ऑफ वॉर 2018 में अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है, जिसका बस एक ही रीजन है, क्रेटोस का सन अट्रियस। गॉड ऑफ वॉर 2018 में हमने देखा था कि क्रेटोस कैसे अट्रियस को एज अ टीचर ट्रेन करता है ताकि अट्रियस इस केओस भरे दुनिया में सरवाइव कर पाए, क्योंकि अट्रियस अभी काफी छोटा और नरम दिल का है जो ठीक से लड़ना नहीं जानता। जहां अट्रियस एक हंटिंग टेस्ट के दौरान अनकंट्रोल हो जाता है, एंड अट्रियस के इसी बिहेवियर की वजह से क्रेटोस गेम में अट्रियस के सामने अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर क्रेटोस अट्रियस के सामने अपनी फुल पावर्स का यूज कर फाइट करेगा तो ये सब देख अट्रियस काफी डर जाएगा। जहां स्टार्टिंग में ये भी एक रीजन है जिस वजह से क्रेटोस अट्रियस के सामने अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर सकता, एंड वो रीजन है क्रेटोस का गॉड होना और क्रेटोस के पास गॉडली पावर्स होना। क्योंकि गेम की स्टार्टिंग में अट्रियस ये बात नहीं जानता था कि उसके फादर क्रेटोस एक गॉड है, जिस वजह से क्रेटोस अट्रियस के सामने अपने फुल पावर्स का यूज नहीं कर सकता था। बट बाद में क्रेटोस अट्रियस को ये बता देता है कि वो एक गॉड है। एंड स्टार्टिंग के जर्नी के दौरान एक मोमेंट पर जब कुछ लोग अट्रियस और क्रेटोस को खा जाने की बात करते हैं तो ये सब सुन अट्रियस काफी डर जाता है और फाइट के दौरान अट्रियस रोने लगता है। Close your heart to it. Come then. But बाद में क्रेटोस अट्रियस को समझाता है कि एक वॉर में किसी भी एनिमी के लिए दिल में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए और तुम्हें एक वॉरियर बनना है। एंड अट्रियस के इसी डर की वजह से क्रेटोस अट्रियस के सामने अपने फुल पावर्स का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर क्रेटोस फाइट के दौरान फुल पावर्स का यूज करेगा तो वो इतनी ज्यादा मारकाट करेगा कि अट्रियस ये सब देख भी नहीं पाएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा ही है जब क्रेटोस बोल्डर से फाइट करता है, जहां क्रेटोस अपनी थोड़ी बहुत पावर्स का तो यूज करता ही है क्योंकि उस टाइम अट्रियस ये सब नहीं देख रहा था और वो छुपा हुआ था। एंड जैसे जैसे क्रेटोस और अट्रियस जर्नी में आगे बढ़ते हैं अट्रियस काफी कुछ सीखता है, जहां लास्ट में बोल्डर से फाइट के दौरान अट्रियस क्रेटोस की काफी अच्छे से मदद करता है। एंड अब अट्रियस धीरे धीरे सर्वाइव करना सीख रहा है, जहां गॉड फॉर रैग्नारोक में क्रेटोस अट्रियस के सामने अपनी फुल पावर्स का यूज कर सकता है क्योंकि अट्रियस को अपने फादर क्रेटोस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है जिससे क्रेटोस प्रॉब्लम में पड़ सकता है, एंड वो रीजन है क्रेटोस का अट्रियस को सच बता देना कि वो एक गॉड है। एंड जब से ये बात क्रेटोस ने अट्रियस को बताई है कि वो एक गॉड है, तब से अट्रियस काफी घमंडी हो जाता है, जहां अट्रियस पहले से ही घायल मोदी को ये कहते हुए मार देता है कि हम गॉड हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। But we're gods. We can do whatever we want. That's what I said to your mother right before I gave it to her.
आगे अट्रेस सिंड्री को भी काफी कुछ सुना देता है और काफी बदतमीजी से बात करता है, जहां क्रेटोस अट्रेस को समझाता है कि वो अपने इस गॉडहुड को इतना सर पे ना चढ़ाए, क्योंकि गॉड्स को मारने के काफी गलत नतीजे हो सकते हैं। एंड ये सब यहीं पर ही खत्म नहीं होता, जहां लास्ट में क्रेटोस के मना करने के बाद भी अट्रेस अपने फादर पर ही इलेक्ट्रिक एरो मार नाइफ से बोल्डर पर अटैक करता है, बट बोल्डर नाइफ निकाल अट्रेस को ही दे मारता है। एंड यह देखने वाली बात यह है कि भले ही अट्रेस अब काफी खून खराबा देख चुका है, जहां उसे ये सब चीजों से अब डर नहीं लगता, इसलिए क्रेटोस अट्रेस के सामने अपनी फुल पावर्स का यूज कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि अट्रेस अब काफी घमंडी हो गया है, जहां वो कभी कभी क्रेटोस की बात भी नहीं मानता है। एंड अगर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में भी अट्रेस का यही एटीट्यूड रहा, तो ये एटीट्यूड अट्रेस या फिर क्रेटोस को प्रॉब्लम में डाल सकता है। होप कि अट्रेस क्रेटोस की बात मान अपने गॉडहुड को गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में सर पे ना चढ़ाए, जहां हो सकता है कि अट्रेस को इस बात का रियलाइज रैग्नारॉक या फिर थॉर की डेथ से हो, एंड तब जाके अट्रेस समझे कि गॉड्स को मारने के कितने गलत नतीजे हो सकते हैं। एंड आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि और क्या क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से क्रेटोस न्यू गॉड ऑफ वॉर में अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।